हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बी सेकेंड ईयर वालों के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया 1526 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक। पेपर कोड है A216। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर खंड ए में लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2 अंक होता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मुगल काल के 4 इतिहासकार। तो यहाँ पर आपको मुगल काल के 4 इतिहासकार लिखने हैं। मुगल काल के 4 इतिहासकार इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पहला है अबुल फजल, दूसरा है अब्दुल कादिर बदायूनी, तीसरा है निजामुद्दीन अहमद और चौथा आप लिख सकते हैं जौहर आफ्ताब जी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है बाबर के 4 पुत्र। बाबर के 4 पुत्रों के आपको नाम लिखने हैं। बाबर के 4 पुत्रों के नाम हैं, पहला है हुमायूं, दूसरा है अश्करी, तीसरा है हिंदाल और चौथा है कामरान। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलग्राम का युद्ध, इसके बारे में आपको लिखना है। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 4 सिख गुरुओं के नाम लिखिए। तो 4 सिख गुरुओं के नाम आप लिख सकते हैं। पहला हो जाएगा गुरु नानक देव, दूसरा है गुरु अंगद देव, तीसरा है गुरु अमरदास, चौथा है गुरु रामदास। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। तो यहाँ पर आपको हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में लिखना है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध मुगल सेना की कमान मान सिंह के अधीन थी। नेक्स्ट यहाँ पर सतनामी विद्रोह। 1672 ईस्वी में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के नारनौल पर एक युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व सतनामी नामक संप्रदाय ने किया। 1657 ईस्वी में वीरभान ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। यह विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किया गया था 1672 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरजहाँ गुट के 4 सदस्य। आपको यहाँ पर नूरजहाँ गुट के 4 सदस्यों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आप पहला लिख सकते हैं गयास बेग, दूसरा है आसफ खान, तीसरा है इतिमाद उद्दौला, चौथा है खुर्रम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नूरजहाँ गुट के 4 सदस्यों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है पेशवा। आपको यहाँ पर पेशवा के बारे में लिखना है। तो मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मुगल काल के 2 चित्रकार के नाम लिखने हैं। यहाँ पर मुगल काल के 2 चित्रकार थे, पहला है उस्ताद मंसूर, दूसरा है बिशनदास। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बैरम खां। आपको बैरम खां के बारे में लिखना है। तो बैरम खां अकबर का संरक्षक था, वह सदैव ही हुमायूं और अकबर के प्रति स्वामी भक्त रहा। अपने अंतिम समय में वह मक्का की यात्रा पर जा रहा था, रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद यहाँ पर आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं खंड बे से दे ई से। इनमें प्रत्येक खंड में 2 प्रश्न होते हैं, उनमें से आपको 1 का ही उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर हम खंड बे से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया था बाबर एक महान विजेता था परंतु साम्राज्य निर्माता नहीं, इस कथन की समीक्षा करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में आता है। अथवा में पूछा गया है शेरशाह अकबर का पथ प्रदर्शक था, टिप्पणी लिखिए। सेक्शन सी आ जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं आलोचना करें। इसके बाद यहाँ पर अथवा में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 शासक के रूप में जागीर का एक मूल्यांकन प्रस्तुत करें। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन दिया जाता है शाहजहाँ के राजस्व काल को मुगल इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में चित्रित करने के प्रयास की विवेचना करें। इसके बाद यहाँ पर यह अथवा पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 है औरंगजेब का एक मूल्यांकन प्रस्तुत करें, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए वह कहाँ तक उत्तरदायी माना जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन ए आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 है शिवाजी के उत्कर्ष के कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है अथवा पूछा गया है मुगल काल में शिक्षा कला और साहित्य के विकास पर एक निबंध लिखे। तो यह आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चंस का भलीभांति रिवीजन जरूर करके जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके रिपीट होकर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।